अच्छे हैं सब? वेलकम टू द क्लास। Good evening, welcome to the class. Hello Nabina, good afternoon. Hello Lucy, good afternoon. नबीना आप कैसे हो? आप कैसे हो नबीना? बाकी स्टूडेंट्स भी प्लीज बताइए किस किस ने ज्वाइन कर लिया है। प्लीज लीव योर नेम्स इन द कमेंट सेक्शन। गुड इवनिंग कुमुद, कैसे हो? हाउ आर यू? मैं बढ़िया लूसी, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। ओके, गुड इवनिंग सुनंदा। यस, so before I start today's class, first of all I would like to give a quick introduction about myself. मेरा नाम सुप्रीत धमीजा है। मैं Unacademy Plus पे political science category में NTA UGC NET के लिए educator हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को अगर मेरी profile search करनी हो तो आप लोग Unacademy Plus पे सुप्रीत धमीजा search कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक list of upcoming courses या ongoing courses मिलेगी मेरे लिए, ठीक है? तो अनअकैडमी पे फिलहाल मेरे जो ऑनगोइंग कोर्सेज हैं उसमें एक है बैच कोर्सेज फॉर पॉलिटिकल साइंस व्हिच इज़ बीइंग शेयर्ड बाय ऑल द एजुकेटर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। देन आई हैव कंप्लीट कोर्सेज ऑन पॉलिटिकल साइंस इन पार्ट वन एंड पार्ट टू व्हिच विल बी कवर्ड इन जनवरी, फेब्रुअरी एंड मार्च, ठीक है? तो ये तीनों कोर्सेज जो हैं आपको अनअकैडमी प्लस पे मिलेंगे व्हेन एवर यू गो थ्रू माई प्रोफाइल। नाउ व्हेन यू गो टू अनअकैडमी, yes, hello Sabah, how are you? When you go to Unacademy, whenever you need to subscribe to Unacademy Plus, आप जब भी Plus का subscription लेना चाहें, उसके लिए हमने आपके लिए एक पूरा का पूरा आपको package के तौर पर explain किया कि आपको per month cost क्या पड़ेगी। So for 6 months you will get 1400 per month, for 12 months you will get 875 rupees per month. And for 24 months you will get 700 rupees per month, ठीक है? तो आप ये तीनों में से जो भी पैकेज लेना चाहें you can take this, but you will get a discount only when you use referral code. So for example my referral code is Supreet Dhamija, ठीक है? तो अगर आप ये referral code use करते हैं तो आपको पूरे plus subscription पे 10% off मिलेगा, ठीक है? So whosoever wants to subscribe to Plus, kindly come and experience how do we function in Plus, किस तरह की हम क्लासेस लेते हैं, डाउट सेशन, क्विजेस, एवरीथिंग, ओके? हेलो नंदिनी, हेलो लतिका, हाय सृष्टि, हाय दिव्या, कैसे हैं सारे? क्या हाल है सबके? Right, so hopefully everyone has understood my list of upcoming courses
and also everyone has understood what how do you need to subscribe to Unacademy Plus, right? तो आज की क्लास का सबने टाइटल देख लिया है, आज की क्लास का टाइटल सबने देख लिया है, राइट? आज की क्लास किस टॉपिक पे है? हाय इप्सा, यस, आज की क्लास का टॉपिक अच्छा सही में सृष्टि अच्छा नहीं लगता, चलिए ठीक है, तो फिर हम लोग आएंगे हर दिन क्लास लेने फिर, ओके, यस, पीवाईक्यूज है आज की क्लास का टॉपिक, आज की क्लास का टॉपिक पीवाईक्यूज है, यस, मैम मंथली पेमेंट करना है या एक साथ पेमेंट करना होगा? बानश्री, बानश्री पेमेंट एक साथ ही करना होता है, ठीक है, पेमेंट एक साथ ही करना होता है, बट आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ईएमआई पेमेंट आई गेस, ओके, यस, चलिए क्लास स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्क्रीन पर, प्लीज हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर वन, गुड इवनिंग रिग्जिन, हेलो, यस, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, हेलो स्वप्ना, आई एम गुड, हाउ आर यू, ओके, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज assertion, अदर लेबल्ड एज रीजन, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, assertion कह रहा है लेनिन प्रोड्यूस्ड अ न्यू थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, लेनिन ने इंटेलेक्चुअल्स के रेवोल्यूशनरी फंक्शन के लिए एक नई थ्योरी प्रोड्यूस की थी, रीजन The ideas and not the material conditions of production are effective causes of revolution. Revolution के effective causes ideas होते हैं, ना कि material conditions of production. ठीक है? समझ आ गया question? Hello Nisha, I am good. आप कैसे हो? Question समझ आया? Given below are two statements. One is assertion, one is reason. Assertion कह रहा है, Lenin produced a new theory of revolutionary function of intellectuals. ठीक है? Reason कह रहा है, ideas and not material conditions of production are effective causes of revolution. इसी का आपको हिंदी पीछे दिया हुआ है. Hello Jyoti, good evening. कोई बात नहीं, सॉरी मत बोलो. हेलो स्वगतिका, हाय समीमा, वेलकम टू द क्लास. यस, फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया सबने? Yes, अब आंसर करिए क्वेश्चन, आंसर करिए इसका आंसर क्या होगा. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन एज assertion, अदर एज रीजन, लेनिन प्रोड्यूस्ड अ न्यू थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, लेनिन ने रेवोल्यूशनरी फंक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक नई थ्योरी प्रोड्यूस की थी, आइडियाज नॉट मटीरियल कंडीशन ऑफ प्रोडक्शन आर effective causes of revolution, ideas effective cause होते हैं revolution का, ना कि material conditions of production, both A and R are true and R is the correct explanation, सब लोगों का यही answer है,
सारे स्टूडेंट्स का आंसर ए है पक्का. एनीवन एल्स हु हैज अ डिफरेंट आंसर? नो. तो ए को लॉक कर दें फिर. ए को लॉक कर दूं? चलो, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए. एक्सप्लेनेशन देते हैं कैसे. यस, एक्सप्लेनेशन सीखते हैं कैसे. ओके, लेनिन ने एक नई थ्योरी प्रोड्यूस की थी इंटेलेक्चुअल्स के रेवोल्यूशनरी फंक्शन के लिए. यस, सब जानते हैं लेनिन का जो फंक्शन है दैट इज रेवोल्यूशनरी. रेवोल्यूशनरी फॉर अ सर्टेन क्लास, राइट? एंड व्हाट वाज दैट सर्टेन क्लास? दैट सर्टेन क्लास वाज डेफिनेटली नॉट अ कैपिटलिस्ट क्लास. यस, that was definitely not a capitalist class. ठीक है, तो उस regard में assertion अपने आप में correct statement कैसे हो जाता है? Assertion अपने आप में एक correct statement कैसे हो जाता है? क्योंकि assertion बहुत clearly ये बात बोल रहा है कि Lenin ने intellectuals के लिए एक नई theory produce की थी. रीजन कह रहा है आइडियाज इंपॉर्टेंट होते हैं रेवोल्यूशन के लिए, ना कि मटेरियल कंडीशंस ऑफ प्रोडक्शन. तभी एसर्शन और रीजन जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऊपर इंटेलेक्चुअल्स की बात हो रही है और नीचे आइडियाज एज कॉज ऑफ रेवोल्यूशन की. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए ऑप्शन वन. ठीक है, चलिए क्वेश्चन टू आंसर करिए. क्वेश्चन टू, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्प्यूटेड द व्यू दैट ह्यूमन बिहेवियर कुड बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब्ड विदाउट रेफरेंस टू इंटेंशंस मोटिव्स एंड रीजंस ऑफ द एक्टर्स इन्वॉल्व्ड. इनमें से किसने इस विचार को रिजेक्ट किया था कि ह्यूमन बिहेवियर को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए इंटेंशंस मोटिव्स और रीजन को रेफर नहीं करना चाहिए? पीटर विंच, सी हल, डी ह्यूम या रॉबर्ट ए डाल? यस, इस क्वेश्चन को आंसर करिए. इस क्वेश्चन को आंसर करिए. हु अमंग द फॉलोइंग डिस्प्यूटेड द व्यू दैट ह्यूमन बिहेवियर कुड बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब विदाउट रेफरेंस टू इंटेंशंस मोटिव्स एंड रीजंस ऑफ एक्टर्स इन्वॉल्व्ड. डी है इस क्वेश्चन का आंसर. सबका यही आंसर है, सारे स्टूडेंट्स का एक ही आंसर है, किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन नहीं है. ये तो कोई बात नहीं हुई, आप लोग देख के आंसर कर रहे हो कि ऊपर सबने कमेंट करा है तो हम भी यही कमेंट कर दें. ये रीजन है डी आंसर करने का. बताइए डी आंसर करने का कारण क्या है? आंसर किसी को आता है या नहीं आता? हाँ या ना? इस क्वेश्चन का आंसर आता है या नहीं? यस और नो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आंसर आता है या नहीं. यस, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्प्यूटेड द व्यू दैट ह्यूमन बिहेवियर कुड बी एडिक्वेटली डिस्क्राइब विदाउट रेफरेंस टू इंटेंशंस मोटिव्स एंड रीजंस ऑफ एक्टर्स इन्वॉल्व. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पीटर विंच. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, पीटर विंच. ओके,
ठीक है, तो आप अभी तक गलत बता रहे थे क्योंकि एक ने डी लिखा, सबने डी लिख दिया विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो हम उसको कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम नहीं आता है, आप बता दो, ठीक है. लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है ए पीटर विंच. ओनली दिव्या इज द स्टूडेंट, सिर्फ एक दिव्या ऐसी स्टूडेंट है जिसने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए दिया था, ठीक है. अगेन गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन, इसमें से किसने इस विचार को डिस्प्यूट किया था कि ह्यूमन बिहेवियर को अगर एडिक्वेटली डिस्क्राइब करना है तो उसमें इंटेंशंस, मोटिव्स और रीजन ऑफ एक्टर्स की जरूरत नहीं है. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए पीटर विंच. चलिए क्वेश्चन थ्री आंसर करिए. क्वेश्चन थ्री आंसर करिए. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. जॉन रॉल्स, जॉन सी हर्सानी, रिचर्ड जे आर नेसन एंड एलेक्स कैलिनिकोज. इक्वालिटी ऑफ वॉट, प्राइमरी गुड्स रिकंसिडर्ड, जस्टिस एज फेयरनेस या द मैक्सिमन प्रिंसिपल. मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो. ठीक है, जॉन रॉल्स, हार्सियानी, आर्नेसन, कैलिनिकोज. यस, नो रिस्पॉन्स. व्हाई देयर इज नो रिस्पॉन्स? आता नहीं ये क्वेश्चन भी? एक का आंसर है थ्री, एक ने दिया है सी, एक ने बोला है रॉल्स ही पता है बस, बाकियों ने दिया है टू, फिर लूसी ने दिया है थ्री, सुनंदा एंड नबीना टू. क्या बात है, आज एनर्जी इतनी लो क्यों है? आज एनर्जी इतनी लो क्यों है? संडे है इसलिए, खाना नहीं खाया इसलिए, ज्यादा खा लिया इसलिए, किस वजह से? पहले तो आंसर करने से पहले ब्रिंग बैक योर एनर्जी, ठीक है. क्वेश्चन आंसर करने से पहले अपनी एनर्जी वापस लाइए पूरी, ओके. इफ यू आर इन द क्लास कम विद फुल एंथुजियाज्म, ओके, ठीक है. अब मेरे को बताइए इस क्वेश्चन में जॉन रॉल्स कहां जाएगा? जॉन रॉल्स कहां मैच होगा? जस्टिस एज फेयरनेस, ठीक है, आपको यही आता था बस, ओके. अब हर्सियानी का जो है, हर्सियानी गोज विद, हर्सियानी गोज विद द मैक्सिमम प्रिंसिपल, ठीक है. हर्सियानी गोज विद मैक्सिमम प्रिंसिपल. अब अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन थ्री और नेक्स्ट ऑप्शन फोर, उसके बाद रिचर्ड आर्नेसन, प्राइमरी गुड्स रिकंसिडर्ड एंड कैलिनिकोज, इक्वालिटी ऑफ वॉट. यानी ए के साथ थ्री, बी के साथ फोर, सी के साथ टू और डी के साथ वन, ठीक है. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री. समझ आया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर थ्री, ओके. क्लियर है सबको? क्लियर, चलिए, वेरी नाइस. ऑप्शन थ्री, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, अदर लेबल्ड एज रीजन. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड्स गिवन बिलो. असर्शन, नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिस्टोटल कैन एंडोर्स द ओपिनियन दैट हिज फिलोसॉफिकल सिस्टम वॉज ऑपोजिट ऑफ प्लेटो. कोई भी एरिस्टोटल की जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ये नहीं बता सकती कि उनका सिस्टम प्लेटो के फिलोसॉफिकल सिस्टम से उल्टा था. रीजन, एरिस्टोटल सिस्टम इज एन अटेम्प्ट टू फिलोसोफाइज ऑन आइडियलिज्म,
free from defects of Plato system. Aristotle ka system ek attempt tha ki wo idealism pe philosophy likh sake, lekin wo philosophy Plato ke system ke defect se free ho, independent ho. Theek hai? Question samajh aaya ya repeat kar? Question samajh aaya? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर सिर्फ एक स्टूडेंट ने बी लिख दिया है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सारे स्टूडेंट्स बी ही लिखेंगे. ठीक है, प्लीज अपना भी दिमाग लगाइए और किसी की तरफ वो मत हो जाओ कि किसी ने ये लिखा है तो मैं भी यही लिखूंगा कि यही करेक्ट होगा. व्हाट इज करेक्ट आई विल टेल यू. ठीक है, ऐसा नहीं होता कि जो मैक्सिमम लोग आंसर करें वो ठीक होता है. ठीक है, हाँ, तो प्लीज थोड़ा सा अपना खुद का भी एफर्ट लगाओ और सोचो कि क्या होगा आंसर. ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. नीचे दो स्टेटमेंट दिए हैं, एक एसर्शन एक रीजन. अब आप मेरे साथ साथ इसे आंसर करना. एसर्शन कह रहा है कोई भी एरिस्टोटल की जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ये ओपिनियन नहीं देती कि उनका सिस्टम प्लेटो से ऑपोजिट है. एक बात बताइए, एरिस्टोटल के काम में कहीं भी ये लिखा है, कहीं भी ये लिखा है कि उनका आइडिया ऑपोजिट था प्लेटो से? कहीं स्पेसिफिकली मेंशन्ड है? इसका मतलब एरिस्टोटल के काम से कहीं भी ये बात झलकती नहीं है, राइट? स्पेसिफिकली, तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया करेक्ट. ठीक है, अब ऑप्शन बी कह रहा है एरिस्टोटल का सिस्टम is an attempt to philosophize on idealism free from defects of Plato system. अब एरिस्टोटल जो है वो प्लेटो के काम पर लिखना चाहते हैं, ठीक है, आइडियलिज्म पर, लेकिन ऐसी तरह कि वो प्लेटो के सिस्टम से अलग हो, जो प्लेटो द्वारा डिफेक्ट करे गए हैं उससे अलग हो. यानी कि ऑप्शन ए और आर एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, क्योंकि एरिस्टोटल डायरेक्टली कभी भी प्लेटो को ऑपोजिट नहीं कर रहे, लेकिन उनका एक तरीका यह है कि वो प्लेटो के सिस्टम के डिफेक्ट्स को फ्री करके अपनी थ्योरी लिखें. ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर ऑप्शन नंबर ए है. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज आइडियाज ऑफ द फॉलोइंग वर इनकॉर्पोरेटेड इन फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. हुज आइडियाज, इनमें से किसके विचार फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म में इंक्लूड करे गए थे? ठीक है, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या रूसो? हुज आइडियाज वर इनकॉर्पोरेटेड इन फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म. हाँ जी, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? अच्छा, बड़े मिक्स आंसर आ रहे हैं आज तो. क्या बात है भाई, इस क्वेश्चन के बड़े मिक्स आंसर आ रहे हैं. तीन स्टूडेंट्स ने आंसर करा है, दिव्या, नबीना और इप्सा, तीनों के आंसर्स अलग अलग है. क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो. 4DC4 रूसो. अच्छा, चलो एक ऑप्शन देती हूं, हॉब्स या रूसो? हॉब्स या रूसो, चूज करो जल्दी से, हॉब्स या रूसो.
Pakka? Pakka? 100%? Philosophical radicalism of utilitarianism. Lock kar de Russo? Majority vote ke saath Russo lock kar de? Chalo, theek hai. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी रूसो. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी रूसो. चलिए अब जल्दी से एक क्विक रिवीजन में पार्टिसिपेट करिए. जल्दी से क्विक रिवीजन. क्वेश्चन नंबर वन एसर्शन रीजन का आंसर बता दो जल्दी से. Lenin produced a new theory of revolutionary function of intellectuals. Ideas and not material conditions of production are effective causes of revolution. Jaldi bata do answer. Quick. Option A. Lock kar de. Chalo. Correct. Very nice. Option A. Question number 2. Who among the following disputed the view that human behavior could be adequately described without reference to intentions, motives and reasons of actor involved? Hanji, is question ka answer? Iska bhi answer A hai. Peter Winch. Chaliye, very nice. Question number 3 answer kariye. Match the following. John Rawls, Harsiani, Arneson, Kalinikos. Quality of what? Primary goods reconsidered, justice as fairness and maximum principle. जल्दी से कर दो मैच. ऑप्शन 3, वेरी नाइस. चलो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर करो. नो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिस्टोटल कैन एंडोर्स ओपिनियन दैट इज फिलोसॉफिकल सिस्टम वाज ऑपोजिट ऑफ प्लेटो. एरिस्टोटल सिस्टम इज एन अटेम्प्ट टू फिलोसोफाइज ऑन आइडियलिज्म फ्री फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ प्लेटो सिस्टम. पक्का? ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट. Who of the following were incorporated in philosophical radicalism of utilitarianism? Jaldi se bata do is question ka answer. Pakka? Russo? Chalo, option D. Aa jao question number 6 pe. Okay, come back to question number 6. Yes. Given below are two statements, one labeled as assertion, other labeled as reason. Select the correct answer from quotes given below. Okay? Assertion. Karl Marx is interpreted by some as an economic determinist, but by others as a humane socialist. Reason. The problem stems from the wide range and complex nature of his own writings. कार्ल मार्क्स को कुछ लोगों ने एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट समझा है, लेकिन कुछ लोगों ने ह्यूमेन सोशलिस्ट. रीजन. ये प्रॉब्लम इस बात से आती है कि जो वाइड रेंज और कॉम्प्लेक्स नेचर है उनकी राइटिंग्स का, वो उसका कारण है. पक्का? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है. ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है. ठीक है, कार्ल मार्क्स को कुछ लोग इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट समझते हैं, तो कुछ लोग इसको ह्यूमेन सोशलिस्ट समझते हैं. ठीक है, इसका मतलब एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है. अब आपको रीजन कह रहा है, ये प्रॉब्लम इस बात से उत्पन्न होती है कि उनकी राइटिंग्स का एक वाइड रेंज है और कॉम्प्लेक्स नेचर है. ठीक है, इसका मतलब ये भी ट्रू है. ओके, तो इन दोनों को आपस में अगर रिलेट करेंगे तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. इसलिए सिक्स का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए. क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड सिविल पावर एज राइट ऑफ मेकिंग लॉज विद पेनल्टीज for the regulation and preservation of property and of employing the force of the community in execution of such laws, all this only for public good. Mm-hmm.
Yes. Answer kariye. Who among the following defines civil power as right of making laws with penalties for regulating and preserving of property and employing of force the community in execution of such laws? Kya hoga is question ka answer? Obviously, very easy. Property shabd dikh raha hai. Shuruaat civil power se hui hai. Society ki baat ho rahi hai. Laws ki baat ho rahi hai. Public good ki baat ho rahi hai. To ye shabd hum kisse jodte hain? In sab shabdon ko hum kisse jodte hain? Option C, John Locke. ठीक है, ऑप्शन सी जॉन लॉक. क्लियर है सबको? क्लियर है? यस, इस क्वेश्चन का आंसर सबको क्लियर है? जल्दी से एक यस लिख दो कमेंट सेक्शन में. कमेंट सेक्शन में एक यस लिख दीजिए प्लीज. अच्छा, स्टक था क्या? ओके, गुड इवनिंग अग्गू, कैसे हो? बहुत टाइम बाद आ रहे हो क्लास में. अच्छा, आई हैड नो आइडिया कि स्टक था. चलो, अब क्लियर है इसका आंसर? अब क्लियर है जॉन लॉक? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े. चलो, क्वेश्चन 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. Who among the following said ideology is most elusive concept in whole of social science? इनमें से किसने कहा था कि ideology सबसे elusive concept है पूरे social science में? Yes, is the class still stuck? Is class still stuck or it is working? Class chal rahi hai? Okay, I am repeating the question. Theek hai? Who among the following said ideology is the most elusive concept in whole of social science? पूरे सोशल साइंस में आइडियोलॉजी सबसे एल्यूसिव कॉन्सेप्ट है. ऐसा किसने कहा था? इस क्वेश्चन का आंसर है डेविड मैक्लेलन, ऑप्शन 2. डेविड मैक्लेलन, ऑप्शन 2. ठीक है, जिनको नहीं आता था इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 2 डेविड मैक्लेलन है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. अरेंज द वर्क ऑफ श्री औरबिंदो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. श्री औरबिंदो के काम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए. लव एंड डेथ, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल.
Love and Death, Life Divine, Essays on Gita, and Savitri, A Legend and Symbol. Yes, इसको अरेंज करिए क्विकली, इसको क्विक अरेंज कर दो. Life Divine सबसे पहले है, सावित्री सेकेंड, लव एंड डेथ थर्ड, एंड एसेज ऑन गीता लास्ट. पक्का 100% यही अरेंजमेंट है. ऑप्शन सी. जल्दी बताओ, जल्दी 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 से बताओ. पक्का? अच्छा, तो क्या अरेंजमेंट हुआ इसका, इसका अरेंजमेंट क्या हुआ? ऑप्शन बी लाइफ डिवाइन, ऑप्शन डी सावित्री, ऑप्शन ए लव एंड डेथ, एंड ऑप्शन सी एसेज ऑन गीता. चलो जल्दी से बता दो, हु वांट्स अ क्विक रिवीजन, हु वांट्स अ क्विक रिवीजन 1 to 10. यस, जल्दी बताओ. अच्छा, ओनली सृष्टि, बाकी सारे सबको चाहिए. चलो स्टार्ट करें 1 to 10 क्विक रिवीजन. ओके, जल्दी जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी जल्दी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ. लेनिन produced a new theory of revolutionary function, ideas and not material condition of production are effective. Option is ka A. ठीक है, first ka answer is A. चलो question number 2 answer करो. Human behavior could be adequately described without reference to intention, motive and reason of actors involved. Question 2. Again answer A, Peter Winch. Again आंसर ए. चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 बताओ. जॉन रॉल्स, हर्सियानी, आर्नेसन, कैलेनिकोस. पक्का? ऑप्शन 3. वेरी नाइस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ. No genuine understanding of Aristotle can say his philosophical system was opposite of Plato. अरे वाह, question complete करने से पहले ही answer. Option A. चलो question number 5 answer करो, question number 5 answer करो जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 5, रूसो. यस, ओके. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर करिए. कार्ल मार्क्स इज इंटरप्रेटेड एज इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट एंड ह्यूमेन सोशलिस्ट, प्रॉब्लम डिराइव्स फ्रॉम हिज लार्ज राइटिंग्स. इसका आंसर जल्दी बता दो. ऑप्शन ए. वेरी नाइस, वेरी गुड. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 7. Who among the following defined civil power? Civil power, option 7 का आंसर option B नहीं है दिव्या. Yes, it's option number C. Okay, John Locke. Yes.
क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से किसने कहा था आइडियोलॉजी इज मोस्ट एल्यूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस? आइडियोलॉजी इज मोस्ट एल्यूसिव कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइंस, डेविड मैक्लेलन, ऑप्शन बी. वेरी गुड, यस, ओके. क्वेश्चन नंबर 9 बताइए. क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अरेंज करिए जल्दी से. औरबिंदो की बुक्स को, वेरी नाइस, ऑप्शन नंबर सी. चलिए 10th क्वेश्चन पे आइए. हाय जीआरए फैंटेसी, आप हरबरी आधी क्लास के बाद क्यों आते हो? हरबरी आधी क्लास के बाद क्यों ज्वाइन करते हो? स्टार्टिंग से आया करो. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ लिबरलिज्म? लिबरलिज्म के बारे में इसमें से क्या सही नहीं है? लिबरल थॉट फोकसेस अपॉन नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल रादर देन दोज ऑफ एनी ग्रुप और कलेक्टिव. लिबरल थॉट इंडिविजुअल की नीड्स पे फोकस करता है, ना कि किसी ग्रुप या कलेक्टिव पे. लिबरल्स डिजायर टू क्रिएट अ सोसाइटी इन विच ईच इंडिविजुअल इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग एंड फ्लरिशिंग टू द फुलनेस ऑफ हिज और हर पोटेंशियल. लिबरल्स डू नॉट बिलीव इन यूनिवर्सलिज्म दैट इंडिविजुअल्स आर ऑल ऑफ इक्वल मॉरल वर्थ. इंडिविजुअल लिबर्टी इज फॉर लिबरल्स द सुप्रीम पोलिटिकल वैल्यू. अरे इस क्वेश्चन का हिंदी है नहीं, ओके, बट दिस क्वेश्चन इज सो इजी कि इसमें हिंदी की जरूरत भी नहीं है. इस क्वेश्चन में इतना इजी है कि इसको हिंदी की जरूरत भी नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत क्लियरली एक स्टेप इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट लिखा हुआ है और बाकी सारे स्टेप इंडिविजुअलिज्म के फेवर में लिखे हैं. और लिबरलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो इंडिविजुअलिज्म के फेवर में काम करती है एंड नॉट अगेंस्ट. दैट इज व्हाई इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर सी. चलो आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 पे. Who among the following argued that only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community against his will is to prevent harm to others? इनमें से किसने ये कहा था कि सिर्फ एक ऐसा तरीका है जब पावर को हक से किसी और मेंबर के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है उसकी मर्जी के खिलाफ, जब वो उसको हार्म से प्रिवेंट करने के लिए हो? जेम्स मिल, जेरेमी बेंथम, जेएस मिल या जेबी प्रीस्टली? जल्दी बताओ. वेरी नाइस, वेरी इजी क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर है जेएस मिल, क्योंकि एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी में अगर किसी व्यक्ति को हार्म पहुंचाते हैं आप उसकी मर्जी के खिलाफ, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होगा कि वो दूसरों को हार्म ना पहुंचा सके. ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेएस मिल. क्वेश्चन नंबर 12, इन द ईयर 1960 एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म बाय एलमंड एंड पोवेल वाज एन एप्लीकेशन ऑफ. 1960 में स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का एप्लीकेशन एलमंड एंड पोवेल द्वारा, इनमें से किसका एप्लीकेशन था? ईस्टर्न का फ्रेमवर्क, डाल्स की पॉलीएरली, लुकियान पाई मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या रोस्टो का थ्योरी ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, यस, अभी कराया है आपको इस क्वेश्चन का आंसर.
Option A, Eastern framework of political system. ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसके आधार पर एलमंड ने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का सिस्टम दिया है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13. इकोनॉमिक्स इज वैल्यू फ्री बट पॉलिटिकल इकोनॉमी ओरिजिनेट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिबेट ऑफ 18th सेंचुरी इज अ कमेंट मेड बाय. इकोनॉमिक्स वैल्यू फ्री है लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी ओरिजिनेट हुई थी आइडियोलॉजिकल डिबेट इन 18th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में. ये स्टेटमेंट किसने दिया है? मार्क्स, केनीज, शुकमटर या अमर्त्य सेन? जल्दी बताओ, जल्दी, क्विकली क्विकली बताओ. इकोनॉमिक्स वैल्यू फ्री है लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी आइडियोलॉजिकल डिबेट से जन्मी है. ये कमेंट किसने दिया है? मार्क्स, केनीज, शुकमटर या अमर्त्य सेन? पक्का 100% अमर्त्य सेन? इसका आंसर 100% अमर्त्य सेन है. लॉक कर दे, इसको लॉक कर दिया जाए. चलिए फिर, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4, अमर्त्य सेन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इसमें से कौन एक अहम पार्ट नहीं है? इंडिविजुअल फ्रीडम, टॉलरेशन एंड कंसेंट, मेजोरिटेरियनिज्म या माइनॉरिटी राइट्स? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का पार्ट इसमें से क्या नहीं है? इंडिविजुअल फ्रीडम, टॉलरेशन एंड कंसेंट, मेजोरिटेरियनिज्म या माइनॉरिटी राइट्स? यस, सिंपल क्वेश्चन, सबको आता था ये क्वेश्चन, सबको आता था ये क्वेश्चन. यस, इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेजोरिटेरियनिज्म. ठीक है, इस क्वेश्चन का क्लियर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेजोरिटेरियनिज्म. चलिए, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑपरेट्स मोस्ट सक्सेसफुली इन द यूएस बिकॉज ऑफ. प्रेसिडेंशियल सिस्टम सबसे सक्सेसफुली यूएस में इसलिए चलता है क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग टू पार्टी सिस्टम है, एक वेल डिमार्केटेड कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल रिव्यू है या माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस इन सोसाइटी है. हां जी, यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों चलता है? स्ट्रॉन्ग टू पार्टी सिस्टम, वेल डिमार्केटेड कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू या माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस इन सोसाइटी? ओके, कैन एनी वन स्टूडेंट गिव मी अ रीजन व्हाई जुडिशियल रिव्यू इज रिलेटेड टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम? जुडिशियल रिव्यू वो कारण क्यों है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है? कोई एक स्टूडेंट है जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है?
Is there a single student who can explain this? Yes. Impeachment power. Okay, IPSA is saying impeachment power. Baki students? Okay. ठीक है. चलिए. इसका मतलब citizens के पास ये अधिकार है कि वो president को उसके काम के लिए test कर सकते हैं at any time, right? और वो test करने की agency क्या है? Judiciary. है ना? वो टेस्ट करने की एजेंसी क्या है? जुडिशरी, राइट? यही कारण है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए. क्वेश्चन नंबर 16. हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ग्रेट ब्रिटेन इज मेनली रिटेन्ड बिकॉज. हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन ग्रेट ब्रिटेन इज मेनली रिटेन्ड बिकॉज it is as important as House of Commons. It plays an important role of checks and balances. It acts as a judicial court. It is maintained as an institution. इनमें से क्या वो प्रमुख कारण है जिस वजह से House of Lord को Great Britain में रखा गया है? उसकी value House of Commons जितनी है, उसका काम checks and balances का रोल प्ले करना है, जुडिशियल कोर्ट की तरह एक्ट करना है या एक इंस्टीट्यूशन की तरह एक्ट करना है. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस ऑलरेडी. चेक्स एंड बैलेंसेस, दोनों हाउसेस में रिलेशन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस आपको ऑलरेडी यूएस पढ़ाते हुए कंपैरेटिव में पढ़ाया था, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का वेरी इजी एंड क्लियर आंसर ऑप्शन 2 चेक्स एंड बैलेंसेस है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, अदर लेबल्ड एज रीजन. हंटिंगटन इज करेक्ट इन असर्टिंग दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ रोल ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट इज अ मिडिवल प्रैक्टिस. हंटिंगटन इस बात को दर्शाने में ठीक है कि रोल ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एक मिडिवल प्रैक्टिस है. इट इज बिकॉज इन अदर लिबरल डेमोक्रेसीज द टू रोल्स आर नॉट कंबाइंड. इसका कारण ये है कि बाकी लिबरल डेमोक्रेसीज में इन दो रोल्स को कंबाइन नहीं किया जाता. चलो गेस करो, क्योंकि आता हो या ना हो आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ना आता हो. हाँ जी बताओ, जल्दी से बता दो. जल्दी से बता दो, जल्दी से, क्विकली. सृष्टि ऑप्शन ए. बाकी स्टूडेंट्स, इप्सा ऑप्शन 2. दो लग रहा है, ए लग रहा है. अच्छा, क्या लग रहा है? ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है? जो भी लग रहा था, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है? हंटिंगटन इस बात को जब एक्सप्लेन करते हैं कि रोल ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज करेक्ट इन असर्टिंग कि यूएस प्रेसिडेंट इज अ मिडिवल प्रैक्टिस, इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड ऑब्वियसली ये इससे रिलेट हो रहा है, इट इज बिकॉज इन अदर लिबरल डेमोक्रेसीज टू रोल्स आर नॉट कंबाइंड.
ये इसलिए है क्योंकि बाकी दोनों डेमोक्रेसीज में रोल्स कंबाइंड नहीं होते हैं. ठीक है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, गेट रेडी, ओके, गियर अप वट एवर यू हैव लर्नड टिल नाउ, ओके, एंड जस्ट लेट्स गो फॉर अ वेरी 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 क्विक रिविजन. यस, क्वेश्चन नंबर वन, क्विक क्विक, जल्दी जल्दी, बहुत क्विक रिविजन. क्वेश्चन नंबर वन, ए, यस, ओके. क्वेश्चन नंबर टू, ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी डिस्क्राइब विदाउट रेफरेंस टू इंटेंशन मोटिव एंड रीजन. ऑप्शन का आंसर, सेकंड का आंसर, ऑप्शन ए, पीटर विंच. चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच द फॉलोइंग. क्वेश्चन थ्री, मैच द फॉलोइंग, ऑप्शन सी, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर फोर, एसर्शन रीजन. क्वेश्चन फोर, एसर्शन रीजन, आंसर ए, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, जल्दी से बता दो. ऑप्शन फोर, रूसो, यस. क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, ऑप्शन ए, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, ऑप्शन सी, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट, ऑप्शन टू, मैक्लेलन, गुड. क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर नाइन, ऑप्शन थ्री, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर टेन, थ्री, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर इलेवन, क्वेश्चन नंबर इलेवन, अगेन ऑप्शन थ्री, जे एस मिल. क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, क्वेश्चन ट्वेल्व, ऑप्शन वन, वेरी गुड. क्वेश्चन थर्टीन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन, क्वेश्चन नंबर थर्टीन, ऑप्शन डी, वेरी गुड. यस, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन,
Question 14. C. Very good. Question 15. Question 15. Option C. Very good. Question 16. Question 16. Option 2. Question 17. Question 17. Option A. Yes. Okay. Kaisi lagi class? Kaisi lagi class sabko? Chaliye, before I leave the class, I am going to leave you with my subscription code. Okay? Please take a screenshot of this. If you want to subscribe to Unacademy Plus, you can use the subscription code. Aapko amount kitna padega? Everything is written on the slide. Right? Okay? And these are my courses on Unacademy. You can search these courses. Okay, and you can search my name on Unacademy, Supreet Dhamija. Okay? Okay? Did you have fun in the class? Aapko agar isme maza aaya to plus is very, very interesting because you get quizzes, you get doubt sessions, you get live classes, live teacher interaction, everything. And it is not expensive at all. बिल्कुल भी आपको एक्सपेंसिव नहीं है, इट इज वेरी अफोर्डेबल. यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हाउ अफोर्डेबल इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू, राइट? सो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है? ओके, एंड जॉइन मी इन द प्लस क्लास, ठीक है? हाँ, पोल होता तो ज्यादा मजा आता, दैट आई अंडरस्टैंड. नाउ आई विल मीट यू एट 7 PM टूडे फॉर अ क्लास ऑन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, ठीक है? कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की क्लास के लिए आज शाम 7 बजे हम लोग प्लस पे मिलेंगे. ओके, सी यू, बाय बाय, थैंक यू फॉर कमिंग, बाय.